खुदरा शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन संस्कृत का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रत्यय। पर अब पढ़ेंगे प्रत्यय की परिभाषा। धातु अथवा शब्दों के बाद प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्ययों का प्रयोग हमेशा धातु या शब्दों के बाद किया जाता है, यानी प्रत्यय का प्रयोग करने के लिए किसी भी शब्द या किसी भी धातु का होना बहुत ही आवश्यक है। अब ये प्रत्यय का मतलब होता है बाद में। प्रत्यय का मतलब क्या होता है? बाद में। प्रत्यय हमेशा किसी भी शब्द या धातु के बाद में लगाए जाते हैं। प्रत्यय के प्रकार संस्कृत में प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं। संस्कृत में प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रत्यय है कृत प्रत्यय। दूसरा प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय। और तीसरा प्रत्यय है स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। अपन पहला प्रत्यय करेंगे कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु या क्रिया के बाद किया जाता है वे कृत प्रत्यय कहे जाते हैं। जिन प्रत्ययों का प्रयोग किसी भी धातु या किसी भी क्रिया के बाद किया जाता है वे हमेशा कृत प्रत्यय होते हैं। जैसे कि क्र प्लस तव्यत। अब यहाँ पे क्र एक प्रकार की धातु है जो हमने पिछली 7वीं और 8वीं क्लास में पढ़ा था, लट लकार में कृत धातु। और यहाँ पे तव्यत है एक प्रत्यय, तो क्र एक धातु, धातु के बाद अपन तव्यत प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं, जिसका मतलब यहाँ पे कौन सा प्रत्यय हो रहा है? कृत प्रत्यय। तो क्र प्लस तव्यत धातु का बनेगा कर्तव्यम। मतलब होता है करना चाहिए। यहाँ पे क्रिया हो रही है, कार्य हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा प्रत्यय हुआ? कृत प्रत्यय। एक और उदाहरण समझते हैं इसका। पर दूसरा उदाहरण है पठ प्लस अन्यर। यहाँ पे पठ एक धातु है पर अन्यर एक कृत प्रत्यय का भाग है। पठ धातु के बाद अपन अन्यर प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहाँ पे शब्द बनेगा पठनीयम। इसका मतलब होता है
पढ़ना साइए, पढ़ना भी एक क्रिया होती है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रत्यय कौन सा हुआ, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय। अच्छा एक मिनट, अब हमने ये तो पढ़ लिया कृत प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है, और अब अगला दूसरा प्रत्यय हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय। अब इसके बारे में जानेंगे कि इसका प्रयोग कैसे और कहाँ किया जाता है। तद्धित प्रत्यय जिन प्रत्ययों का, जिन प्रत्ययों का प्रयोग, जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के, आदि शब्दों के बाद किया जाता है, आदि शब्दों के बाद किया जाता है, वे तद्धित प्रत्यय कहे जाते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहे जाते हैं। अब तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हमेशा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद किया जाता है, यानी तद्धित प्रत्यय का प्रयोग करने के लिए या तो संज्ञा या सर्वनाम का होना बहुत ही जरूरी है। अब इनका प्रयोग कैसे किया जाता है वो देख लो, जैसे कि शिव प्लस एण, शिव प्लस अण। अब यहाँ पे संज्ञा के बाद देखो भगवान शिव जी का नाम है शिव, यानी महादेव जी को शिव की संज्ञा दी गई है, और उसके बाद अण प्रत्यय मतलब ये एक तद्धित प्रत्यय एक भाग है, तो शिव एक संज्ञा है और उसके बाद अण प्रत्यय का अपन प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे शब्द बनेगा शैव, शब्द क्या बनेगा शैव। इसी प्रकार इसका एक और उदाहरण देख लो, धन प्लस मतु। यहाँ पे किसी व्यक्ति को धनवान की संज्ञा दी जाएगी, जैसे धन प्लस मतु का बाद अपन मतु प्रत्यय प्रयोग करेंगे तो यहाँ शब्द बनेगा धनवान, तो यहाँ पे किसी व्यक्ति को धनवान की संज्ञा दी जाती है। तो इसी प्रकार अपन तद्धित प्रत्यय में संज्ञा के बाद प्रत्ययों का प्रयोग करेंगे। अब अगला प्रत्यय है स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। अब अपन स्त्री प्रत्यय के बारे में समझेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ पे और कैसे किया जाता है। जिन प्रत्ययों का प्रयोग, जिन प्रत्ययों का प्रयोग, जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए किया जाता है, वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं, वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं, यानी जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है वे हमेशा स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे कि कुमार प्लस दीप। अब यहाँ पे कुमार एक पुल्लिंग शब्द है,
परागे डीप एक स्त्री प्रत्यय का भाग है। तो कुमार प्रत्यय के साथ अपन डीप प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहाँ पे शब्द बनेगा कुमारी। शब्द क्या बनेगा? कुमारी। तो यहाँ पे कुमार शब्द था और डीप प्रत्यय था, तो कुमार स्त्रीलिंग शब्द था, इसको अपन स्त्रीलिंग में चेंज किया डीप प्रत्यय लगा के, तो यहाँ पे बना कुमारी। और कुमारी एक स्त्रीलिंग शब्द होता है। एक और उदाहरण देख लो आप इसका। अज प्लस टाप, अज प्लस टाप। अब यहाँ पे अपन अज एक पुल्लिंग शब्द है, तो इसको वापस स्त्रीलिंग में बदलने के लिए टाप प्रत्यय लगाएंगे, तो यहाँ इसका शब्द बन जाएगा अजा। अजा एक स्त्रीलिंग शब्द होता है और अज होता है पुल्लिंग। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पे और कैसे किया जाता है ये तो हमने पढ़ लिया। अब आगे अपन कृत प्रत्यय के जितने भी भाग है वो सारे पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रत्यय है यहाँ पे अपना कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय का पहला भाग सत्र प्रत्यय। सत्र प्रत्यय, सत्र प्रत्यय का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है ये देख लो। सत्र प्रत्यय का प्रयोग, सत्र प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल, वर्तमान काल के अर्थ में, के अर्थ में जैसे कि गच्छन मतलब जाते हुए, जाते हुए, लिखन मतलब लिखते हुए, लिखते हुए, लिखते हुए अर्थात हुआ अथवा, हुआ अथवा रहा, रहे इस अर्थ, इस अर्थ का बोध, इस अर्थ का बोध कराने के लिए, इस अर्थ का बोध कराने के लिए सत्र प्रत्यय, सत्र प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। सत्र प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब एक बार इसको वापस रिवाइज कर लो क्योंकि आपको सही तरीके समझ आ जाए। मतलब सत्र प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल के अर्थों को प्रकट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि हुआ, रहा, रहे। जैसे कोई का व्यक्ति काम कर रहा है या कर रहे हैं या फिर जा रहा है या कर रहा है, तो ये सब वर्तमान काल के शब्द हैं। तो इनको प्रदर्शित करने के लिए हमेशा सत्र प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखो, सत्र प्रत्यय का, सत्र प्रत्यय का अत शेष रहता है। सत्र प्रत्यय का अत शेष रहता है। अत शेष रहता है और सत्र, सत्र में और सत्र में छ का और री का लोप हो जाता है, री का लोप
हो जाता है। अब इसमें देखो, जब सत्र प्रत्यय है ना, जैसे कि सत्र यहाँ पे स और त्र री आधा है और स पूरा है, तो स आधा स का लोप हो जाता है तो पीछे बच जाएगा अ, और त्र यहाँ पे री आधी री है और री का भी लोप हो जाएगा तो पीछे बचेगा त, तो पीछे बचे इसमें स का बचेगा अ और इसमें री का लोप हो जाएगा तो पीछे बचेगा त, तो शेष रहेंगे अत। अब इसके उदाहरण देखो, जैसे कि सत्र प्रत्यय के शब्द। अब यहाँ पे है पठ। अब हमने पहले ही कहा था कि कृत प्रत्यय में किसी भी धातु का होना जरूरी है, तो यहाँ पे पठ है एक प्रकार का धातु है। और इसके बाद सत्र प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सत्र। तो यहाँ पे आगे देखो, ठ आधा है प पूरा है, तो पठ का पठ आ जाएगा और सत्र का यहाँ पे शेष क्या रहेगा, अत। तो अत अत का त इसके साथ में जुड़ गया तो पट हो गया पूरा, और त का त, तो इसका शब्द बनेगा पठत, मतलब पढ़ते हुए। तो वर्तमान शब्द है। इसका एक और उदाहरण देख लो, आसानी समझ आ जाएगा। अगला है लिख प्लस सत्र। लिख प्लस सत्र, यहाँ पे लिख भी एक धातु है, इसके बाद सत्र प्रयोग प्रत्यय का अपन प्रयोग करेंगे। तो लिख आधा है, ले तो पूरा है लेकिन ख आधा है, तो लिख का अपन लिखेंगे लिख, यहाँ पे ख अभी तक आधा है और सत्र का यहाँ पे शेष क्या बचता है, अत। तो लिख के साथ में अगर अपने अ जोड़ लिया तो लिख हो गया पूरा, और पीछे बसा त, तो त का त लिखेंगे तो हो जाएगा लिखत, मतलब लिखते हुए। तो ये भी एक वर्तमान काल का ही शब्द बना। तो यह हम इस प्रत्यय का यही प्रयोग होगा कि वर्तमान काल के शब्द होने से ये और किसी भी धातु या शब्द का होना जरूरी है। तो ये दो उदाहरण देख लो, और इसके बाद एक और उदाहरण देख लो। तीसरा उदाहरण है पस प्लस सत्र। पस प्लस सत्र, तो यहाँ पस एक धातु है और सत्र का पीछे रहेगा अत, तो क्या बनेगा शब्द इसका, पचत। पचत, पचत का मतलब होता है पकाना। अब इसका लास्ट उदाहरण एक और देख लो, चौथा उदाहरण है गम प्लस सत्र। यहाँ पे गम एक धातु है और इसके बाद सत्र प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तो गम का तो गम लिखेंगे, म अभी तक आधा है और यहाँ पे अत शेष बसा है, अ इस म के साथ जुड़ गया तो म हो गया पूरा, और त का लिख देंगे त, तो क्या हो जाएगा, नहीं इसका बन जाएगा, गम का हो जाएगा गसत। गसत मतलब जाना, ये भी एक वर्तमान शब्द है। गम धातु का मन हमेशा अपन प्रयोग करते हैं गस की तरह, जैसे कि गसती गसत गसंती, उसी प्रकार गम का यहाँ बनेगा गचत। ठीक है, तो ये आप सभी एक बार वापस पूरा पढ़ लेना और अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। और कोई अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो आप इसके नीचे कमेंट कर देना, जिसको मैं दूसरे वीडियो में आपको आसानी से वापस समझा दूँगा।